शनिवार को सहरसा जिले की राहतगढ़ थाना पुलिस ने अवैध गांजे सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला राहतगढ़ थाना इलाके के चंद्रापुर गांव का है, जहां पर आरोपी पप्पू उर्फ दिनेश कुशवाहा के घर से 2 किलो 150 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। यह गांजा आरोपी अपने घर में रखे भूसे के ढेर के पास एक प्लास्टिक के बैग में रखे हुए था और लोगों को गांजे की पुड़िया बेचने का काम करता था। राहतगढ़ थाना पुलिस की यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई है। गौरतलब है कि जिले के कप्तान इस समय जुआ, शराब, सट्टा आदि के प्रति कड़ा रुख अपनाए हुए हैं और पूरे जिले की पुलिस इन कार्रवाइयों में जुटी हुई है। कि थाना राहतगढ़ क्षेत्र का एक गांव है चंद्रापुर, वहां का निवासी पप्पू उर्फ दिनेश कुशवाहा अपने घर में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखे हुए है तथा उसकी बिक्री करता है। मुखबिर की सूचना पर तत्काल उसकी अपन कार्रवाई हेतु सक्रिय हुई और मैं हमारा बल के नियमानुसार जो कार्रवाई की स्टेप है, मैं हमारा दल के वहाँ पे रवाना हुए, वहाँ पर पहुँचे। आरोपी और जो अनावेदक था पप्पू कुशवाहा अपने घर के सामने मिला, उससे पूछताछ की गई, जिसने अपना नाम पप्पू दिनेश कुशवाहा बताया और पूरे नियमों का पालन करते हुए उसके घर की तलाशी ली गई तो उसके घर से एक सफ़ेद बोरी में और एक छोटी सी प्लास्टिक पॉलीथीन की पन्नी में गांजा बरामद हुआ। उसको मिला के वहाँ के मौके पर तौला गया तो 2 किलो 150 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसको मौके से जब्ती की गई, सीलबंद किया गया। इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की गई, गिरफ्तारी की सूचना दी गई, बाद में माल मुल्की वापस थाना आया। कितने का माल हुआ? ये लगभग 11,000 रुपये का माल हुआ।